सो फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए चावलों का बहुत ही टेस्टी बिल्कुल नया नाश्ता बनाएंगे। तो इसे तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बचे हुए चावल ले लिए हैं। दोस्तों, ये रात का बचा हुआ चावल है, इसका इस्तेमाल आप कर लें यहाँ पर। और साथ ही 3 अंडे भी ले लिए हैं। 3 अंडों को बारी बारी से तोड़ लेना है। इतना टेस्टी नाश्ता आपको इस तरह बनाने पे मिलेगा दोस्तों, इस तरह आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगा जितना आप घर पे बना सकते हैं। तो चलिए, मैं अंडों को तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडों को तोड़ लिया है और जो मैंने चावल लिया था उसको ऐड कर लूँगी। तो कुछ फ्रेश सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप गाजर ले लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। स्पाइसी के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और साथ ही फ्रेश धनिया की पत्तियाँ भी ले लिए है जो कट कर लिया है, 2 से 3 चम्मच है ये। तो इन सबको थोड़ा सा मिक्स करना है और 1 टेबलस्पून सूजी भी ऐड करना है। साथ ही नमक टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए फ्रेंड्स। नमक का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब नमक को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। और साइड में मैंने तावे को गर्म होने के लिए रख दिया है दूसरे चूल्हे पे। तो यहाँ पे हमारा जो तावा है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सी 2 टेबलस्पून ऑयल लेके स्प्रेड करूँगी ब्रश की हेल्प से। और 1-1 चम्मच मैं मिक्सर ले लूँगी और इस तरह से शेप में, कबाब की शेप में मैं डाल दूँगी। इस तरह करके हम जितना चाहे आप डाल सकते हो, लेकिन एक बार में 3 से 4 ही जो है आप फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और फ्राई करने के लिए डालूँगी। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। रात के बचे हुए चावलों को वेस्ट होने से पहले ये नाश्ते को बना लें। तो देख सकते हो आप, अब इसकी साइड में चेंज कर दूँगी। देखिए, एक साइड मैंने इसको टर्न कर दिया है। 1 मिनट ही लगता है ये मीडियम फ्लेम पर बनाने के लिए। तो इसी तरह से अलट पलट करते हुए सारा मैं पलट लूँगी और पका लूँगी दोनों साइड से। ये अंदर से सॉफ्ट होता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ऊपर से ये क्रिस्पी होता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप देख सकते हो दोनों साइड से मैंने क्रिस्पी कर लिया है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है दोस्तों। इसको आप रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के टाइम पे भी बना सकते हो। इतना टेस्टी है कि एक बार बना लोगे तो बार बार बनाने लग जाओगे दोस्तों। तो देखिए, हमारा जो हमने इतने ऑयल में इतने शैलो फ्राई कर लिए हैं, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही ये रेसिपी भी। तो रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स में लिखना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और ऐसी मोर वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रखिए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। तो फिर से मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।